फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं चावल। चावल के पानी का फर्टिलाइज़र तो हम सभी यूज़ करते हैं प्लांट में, लेकिन जिस तरह से मैं आज इस फर्टिलाइज़र को बनाना बता रही हूँ, यदि उस तरीके से आप प्लांट को डालते हैं तो प्लांट को कहीं ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे, और प्लांट में यदि ग्रोथ नहीं हो रही होगी तो प्लांट ग्रोथ करने लगेगा, साथ ही उसमें फूल नहीं आ रहे होंगे तो फूल आने की समस्या खत्म हो जाएगी, पत्तियों का रंग हरा रहेगा, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चावल में बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन और कुछ हद तक पोटेशियम, आयोडीन भी पाया जाता है। तो इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बढ़ाता है और प्लांट हरा भरा स्वस्थ रहता है। तो हमें यूज़ करना है इन चावल का पानी। तो इन चावलों को कुछ इस तरह से आपको वॉश करना है, और इन चावल को धोने के बाद इस पानी को हमें एक जार में इकट्ठा कर लेना है। इसका यूज़ मैं फर्टिलाइज़र बनाने में करूँगी। बचे हुए चावल का यूज़ आप अपने खाने में कर सकते हैं। और इसके बाद अब इसको किस प्रोसेस से बनाना है और उसमें क्या चीज़ मिलानी है वो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है ये 10 लीटर सादा पानी। इसमें मैं ये चीज़ें मिलाने वाली हूँ जिससे कि हमारा शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बनेगा। लेकिन फर्टिलाइज़र बनाने के पहले 2 से 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्लांट की मिट्टी की एक दिन पहले आपको गुड़ाई कर देनी है। यदि आप गुड़ाई करके इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो प्लांट की जड़ों में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है और हमारे प्लांट पर बहुत तेज़ी से रिजल्ट दिखाता है। इसके साथ ही जो दूसरा काम करना है वो है आपको अपने प्लांट में किसी तरह के यदि सूखे हुए फूल लगे हैं तो उनको हटा देना है, साथ ही पीली पत्तियां पड़ रही हैं वो हटा दें, और टहनियां ख़राब हो रही हों तो उनको काट देना है। लेकिन यदि आपका प्लांट फ्लॉरिंग कर रहा है या फिर उसमें कलियाँ बन रही हैं तो उस समय आपको उसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। इसके साथ ही यदि आप चाहते हैं कि ये जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे प्लांट पर मिले, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक नहीं हो। यदि इंसेक्ट अटैक होगा तो प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आपको इसे समय समय पर नीम ऑयल से अपने प्लांट को स्प्रे करते रहना है जिससे कि प्लांट स्वस्थ और हेल्दी बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास 1 लीटर ये चावल का पानी है, 10 लीटर सादा पानी लिया है, तो इस चावल के पानी को इसमें मिला देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मिलाने वाली हूँ वो प्लांट के लिए सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, और ये जैविक फर्टिलाइज़र है। ये है मेरे पास सीवीड फर्टिलाइज़र। इस 10 लीटर पानी में मैं 10 ml सीवीड फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ। सीवीड फर्टिलाइज़र प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और बदलते मौसम में प्लांट को इंसेक्ट अटैक से बचाता है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, साथ ही कई मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और जड़ों को विकसित करते हैं। इसके साथ ही यदि प्लांट में किसी तरह की इंसेक्ट लगे हैं तो उनसे भी प्लांट की रक्षा करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन्स भी पाए जाते हैं। समुद्री शैवाल से तैयार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है और ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है, और इसकी बहुत ही कम मात्रा हमारे प्लांट में अच्छा असर दिखाती है। इसकी ज़्यादा मात्रा हमें यूज़ नहीं करनी होती है, और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, पत्तियों पर बहुत अच्छी चमक लाता है। तो मैं ये 10 ml सीवीड फर्टिलाइज़र इसमें डाल रही हूँ, और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है प्लांट के लिए। मंथ में एक बार आप इसका यूज़ ज़रूर करें, और आने वाली सर्दियों में यदि आप तेज़ी से प्लांट की ग्रोथ चाहते हैं और फल फूल चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र को अभी अक्टूबर के महीने में ज़रूर डालें, और इसको आप पॉट की साइज़ के हिसाब से अपने प्लांट की सॉइल में डाल दें। आप देखेंगे कि आपका प्लांट कुछ ही दिनों में हरा भरा स्वस्थ हो गया है, और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कलियाँ बन रही हैं और फूल आ रहे हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का आप भी यूज़ करें। थैंक यू।